तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर हम अपने लास्ट क्लास में अध्याय 4 समांतर श्रेणी को कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस क्लास में मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, अध्याय 5 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ और आज के सेशन को हम स्टार्ट करते। देखिए, तो हमारा जो मिशन चल रहा था, उस मिशन का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं कक्षा 10वीं विषय गणित को। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो खूबसूरत सा टॉपिक कौन सा है, अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात, और ये होने वाला है भाग 1। ठीक है, देखिए, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेटजी वाली ही क्लास में बताया था कि इस अध्याय में, अध्याय 5 में हमेशा आपको 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। एक जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 2 नंबर के लिए रहेगा, और एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो इसके टोटल आपको 3 पार्ट के वीडियो मिलने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन और 2 नंबर वाले क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। फिर सेकेंड और थर्ड पार्ट में, दोनों पार्ट में हम 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 में दोनों में मैं 2-2 क्वेश्चन समझाने वाला हूं। तो 2-2 और 4 क्वेश्चन ही काफी हैं आपके 6 नंबर की तैयारी कराने के लिए। उन चारों क्वेश्चन को अच्छे से अगर आपने कर लिया तो बिल्कुल चारों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए। तो अनुपात एवं समानुपात के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, पीवाईक्यूज पर बात करेंगे और हम क्विक रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए, हम बेसिक को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें एग्जाम की तैयारी करना। देखिए, अब इस अध्याय में कुछ भी फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं आता है, तो डायरेक्टली हम कहां पर जाना पसंद करेंगे, अपने क्वेश्चन पर जाना पसंद करेंगे। देखिए, और यह रहा आपका पहले नंबर का क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 1। चलिए, अब इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो, आ जाइए, देखिए, पेन और कॉपी बिल्कुल आपके पास भी होनी चाहिए, जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं उसको आपको नोट डाउन करते हुए चलना। देखिए, तो पहले नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि एक सेकेंड, हां देखो, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी हो तो इसका मध्य अनुपाती है। हमें यहां पर मध्य अनुपाती निकालने के लिए कह दिया गया, बिल्कुल निकाल देंगे सर, आ जाओ। देखो, हम मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, देखिए बच्चों, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि एक नंबर वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको ऑप्शन को करना है इग्नोर। ऑप्शन दिया ही नहीं है ये आपको मानकर चलना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन जो आपको एक नंबर के लिए ही पूछे या फिर वस्तुनिष्ठ प्रकार के में ही पूछे। ये खाली स्थान पूछ देगा तब कैसे करोगे, वहां पर तो ऑप्शन है ना, ऑप्शन तो है ही नहीं, तो कैसे करोगे। इसलिए हमेशा 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 हमें क्या करना है, अपने ऑप्शन को करना है इग्नोर। यह मानकर चलना है कि सर हमें ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, हमें बस क्वेश्चन दिया है उसको हमें सॉल्व करना है। यह क्वेश्चन एक नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है और 2 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है। तो दोनों के हम कैसे हल करेंगे, देखो, चाहे वो 1 नंबर के लिए पूछे चाहे वो 2 नंबर के लिए पूछे, पूरा हम स्टेप फॉलो करेंगे। देखो, यहां पर मैंने लिखा हाल, अब हमें यहां पर पूछा गया था कि ए अनुपात बी अनुपात सी का हमें मध्य अनुपाती निकालना है। बिल्कुल सर, निकाल लेंगे, आ जाओ। देखो, तो मध्य अनुपाती कैसे निकालेंगे, देखो, यहां पर मैंने लिखा ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, ये किसका चिन्ह होता है, अनुपात का चिन्ह होता है। तो ए अनुपात मैंने बी लिखा, हमें मध्य अनुपाती निकालना ना, तो यहां पर मैंने 4 बिंदु लगाया, इस 4 बिंदु को क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, समानुपात कहते हैं। इसी बी को एक बार और लिखते हैं, फिर लास्ट में क्या है, अनुपात सी है। ये इस प्रकार से आपको अरेंज करके इसको लिख देना, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल सर लिख दिया। चलिए, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, ए को मैंने उतारा, अनुपात का मतलब होता है बटा, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है, भाग होता है। तो अब नीचे में क्या आ जाएगा, ये बी आ चुका, बिल्कुल सर आ गया। समानुपात का मतलब होता है बराबर, समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। बी, तो बी की जगह मैंने बी लिखा, अनुपात का मतलब आपको पता है कि बटा होता है, नीचे में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आ चुका सी। चलिए, हमें तो बी का मान निकालना है, तो बी का गुणा करेंगे हम बी से, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा ए सी। हमने क्या किया है, त्रिक गुणा कर दिया है, बी का गुणा बी से, तो बी स्क्वायर, ए का गुणा किया सी से, तो हमें मिल चुका ए सी। हमें निकालना है बी का मान, ना कि बी स्क्वायर का। तो जब भी बच्चों आपको ये स्क्वायर हटाना है, वर्ग को हटाना रहता है, तो आप दोनों पक्षों में क्या ले लेते हो, वर्गमूल ले लेते हो। तो दोनों पक्षों में हम वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों में क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो ये लग जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर भी वर्गमूल लेंगे, तो ये हो जाएगा ए सी। और जब भी हम वर्गमूल लेते हैं तो यहां पर 2 चिन्ह लगता है,
प्लस और माइनस, यानी कि बी के हमें दो मान प्राप्त होंगे। बी के कितने मान प्राप्त होंगे? दो मान प्राप्त होते हैं। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आगे इसको हम इस साइड सॉल्व करते हैं। देखो अब आगे क्या हो जाएगा, चलिए बताइए अब आगे इसको क्या कर सकते हैं। देखो तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल होते हैं। अब ये कैंसिल कैसे होते हैं, चलिए मैं एक बार आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं। देखो रफ में बताता हूं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। इस वर्गमूल का मतलब होता है एक बटा दो, और उसको हम लिखते हैं कहां पर, घात पर लिखते हैं। तो ये दो और ये दो कैंसिल होता है, तो लास्ट में मिलता क्या है, बी बचता, ठीक है बी बचता है। तो इसके जगह अब क्या लिखा जाएगा, ओनली बी लिखा जाएगा। चलिए बी लिख देते हैं, आ जाओ। तो ये हो जाएगा बी, बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए सी हो जाएगा। अब ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसको कुछ भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मध्य अनुपाती क्या हो जाएगा, बी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए सी हो जाएगा। अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपका ये दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर में अगर बात करूं तो द द को देखिए, ऑप्शन नंबर आपका लास्ट वाले को देखिए, ये क्या दिया है, प्लस माइनस अंडर रूट ए सी दिया गया। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो एक नंबर के लिए पूछे या फिर दो नंबर के लिए पूछे, जिस तरीके से पूछेगा उसका आंसर हमें दे देना, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक दो आपके स्क्रीन पर आ जाइए। देखिए अब यहां पर हमें क्या पूछ लिया गया है, 8, 14, 16 का चतुर्थानुपाती है। हमें 8, 14 और 16 का चतुर्थानुपाती पता करना है। और यह पूछा गया था छत्तीसगढ़ 2017 सेट ए, इसी प्रकार का क्वेश्चन सेट बी में और सेट सी में भी पूछा गया था। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आ जाओ। चलिए तो यहां पर मैंने सबसे पहले लिखा हाल, ठीक है। देखो हमें निकालना है 8, 14 और 16 का चतुर्थानुपाती, हम तो चतुर्थानुपाती को मान लेंगे। देखो तो यहां पर हम क्या करेंगे, माना, ठीक है माना, क्या मानेंगे, माना 8, 14 और 8, 14 और 16 का चतुर्थानुपाती, 16 का चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती क्या मान लें, x मान लेते। चलो x है, जरूरी नहीं है कि आप एक से ही मानो, आप ए बी सी डी भी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया है, 8, 14 और 16 का चतुर्थानुपाती एक से है। अब इसको हम अरेंज करके कैसे लिखते हैं, देखो तो यहां पर मैंने लिखा 8, ठीक है 8 अनुपात, ये हो गया 8 अनुपात 14। फिर हम इसके बाद लगाते हैं समानुपात का चिन्ह, फिर तीसरे नंबर में क्या दिया गया है, 16 दिया गया, और फिर लास्ट अनुपात में क्या आएगा, ये एक से आएगा, चतुर्थानुपाती क्या है, एक से है, हमने एक से को माना हुआ, ठीक है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं और हमें एक से का मान निकालना है। चलिए बिल्कुल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 अनुपात का मतलब होता है बटा, नीचे में आ जाएगा 14, समानुपात का मतलब होता है बराबर, 16 आ जाएगा अनुपात का मतलब होता है बटा, तो नीचे में आ जाएगा ये एक्स, ठीक है सर। यहां तक अच्छे से कहानी हमें क्लियर है। अब देखो यहां पर ऊपर से हम ऊपर को डिवाइड कर सकते हैं, तो 8 है कम, ये हो गया 8 और ये 8 दुनी हो गया 16। अब x का गुणा करेंगे 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 1 से बराबर, ठीक है। अब देखो 14 का गुणा करेंगे हम 2 से, तो 14 दुनी हो जाएगा ये 28, अतः चतुर्थानुपाती, अतः चतुर्थानुपाती क्या 28 है। अब अपने ऑप्शन को देखो कि कौन सा ऑप्शन आपका 28 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम दूसरे की बात करें, ब की बात करें, तो इसमें क्या दिया 28, तो ऑप्शन ब आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना रहेगा। अगर ये क्वेश्चन जो है, अगर ये क्वेश्चन जो है दो नंबर के लिए पूछते, तो लास्ट लाइन में अपने आंसर को लिखते अतः चतुर्थानुपाती, अतः चतुर्थानुपाती 28 है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको दो नंबर के लिए इसका आंसर लिखना होता और पूरे में पूरे अंक आपको मिल जाते, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन को भी हमने देख लिया चतुर्थानुपाती से संबंधित। अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोलता है, 6:10 समानुपात एक से अनुपात 25 में हमें एक से का मान निकालना है। क्या पूछ लिया गया, एक से का मान पूछ लिया गया, बिल्कुल सर निकाल देंगे। आ जाओ ऑप्शन को अभी इग्नोर करो, ऑप्शन दिया ही नहीं है ये मानकर चलो। ये क्वेश्चन दो नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहां पर मैंने लिखा हल, चलिए अब इसको हल करते हैं। तो जो हमें दिया गया है उसको हम एक बार उतारना चाहेंगे, तो ये दिया गया है 6:10, फिर क्या दिया है समानुपात 1:25, ये हमें दिया गया, बिल्कुल सर ये हमें दिया गया। चलिए
हमें x का मान निकालना है। देखो x का मान हम कैसे निकालेंगे, तो यहां पर मैंने लिखा 6, अनुपात का मतलब होता है बटे में आ जाएगा ये 10, समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो x अनुपात का मतलब होता है बटा और नीचे में आ जाएगा ये 25। चलिए आगे इसको सॉल्व कर देंगे। देखो तो नीचे को नीचे से हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 5 पंचे हो जाएगा 25, दोनों 5 से कट चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया ये हो जाएगा 6। फिर देखो एक का गुणा करेंगे हम एक से, तो यहां पर ये एक से ही आएगा, बराबर है तो बराबर। फिर हम 5 का गुणा करेंगे 3 से, तो ये हो चुका 5 तिया 15। क्या मिल चुका? 5 तिया 15 मिल चुका। अब देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन में आपका 15 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ब के मैं अगर बात करूं तो इसमें दिया गया 15, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। दो नंबर के लिए पूछेंगे तो आपको ये पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एक नंबर के लिए आप ओरल भी इसको आंसर कर सकते हो, ठीक। चलिए हाँ देखो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। देख लीजिए क्या पूछ लिया है, अनुपात दिया गया है 64/27 का घना अनुपात होगा। यहां हमें 64/27 का घना अनुपात निकालना, बिल्कुल निकालने के सर आ जाओ। देखो अब ये क्वेश्चन दो नंबर के लिए आता है या फिर एक नंबर के लिए आता है, दोनों के लिए हम एज इट इज सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, तो हमें यहां पर बोला गया है कि 64/27 का घनानुपात निकालिए, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? देखो तो यहां पर पहले मैंने लिखा 64/27, बिल्कुल से जहां तक अच्छे से क्लियर है। देखो हमें घनानुपात निकालना है, तो हम घनानुपात कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर मैंने लिखा घनानुपात, ये होता है हमारा घनानुपात। यहां पर देखो मैंने यहां पर पहले लगाया ये करनी का चिन्ह लगाया, फिर घात में क्या लिखा 3, इसको हम कहते हैं घन। क्या बोलते हैं बच्चों? घन बोलते हैं। फिर यहां पर यह आ जाएगा 64/27, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? बिल्कुल सर क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, देखो अब हमें यहां पर ये जो करनी लगा हुआ है और घात में 3 लगा हुआ है, इसको मैंने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। अब देखो हमें यहां पर सोचना है कि 64 जो है वो कौन सी संख्या का क्यूब होता है, कौन सी संख्या को हम 3 बार गुणा करते हैं तो 64 आता है। तो बच्चों कम से कम आपको 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का क्यूब याद होना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर मैं 4 से 3 बार गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? तो 2 4 का अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब इस 16 का गुणा करेंगे 4 से तो हमें क्या मिल जाएगा? 16 चौक 64। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? सब बिल्कुल क्लियर है। तो हम 64 को लिख सकते हैं 4 की घात 3 लिख सकते हैं, बटे है तो बटे। अब 27 को, तो 27 को मैं लिख सकता हूं 3 गुना 3 गुना 3, बिल्कुल सही। यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसे? देखो 2 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9, फिर 9 का गुणा करेंगे 3 से तो हमें क्या मिल जाएगा? 27 मिल जाएगा। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की घात में लगा सकते हैं ये 3। यहां तक की भी कहानी अच्छे से भी क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। चलो आ जाओ अब आगे मैं इसको इस साइड सॉल्व करता हूं, आ जाओ देखो क्या हो जाएगा फिर। चलिए बताइए अब क्या कर सकते हैं। देखो तो यहां पर अब क्या होगा, देखो तो मैंने यहां पर घनमूल को लगाया, फिर 4/3 को मैंने लिखा और दोनों की घात में 3 है तो मैंने दोनों की घात में लगा दिया 3। हमने क्या किया, 4 और 3 को लगा लिया ब्रैकेट में और दोनों की घात 3 है तो मैंने एक बार लिख लिया, ठीक है। अब यहां पर होगा कैसे, देखो ये 3 और ये वर्गमूल, देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको रफ में सॉल्व करके बताता हूं। सर यही पर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 4/3, क्या हो चुका? 4/3 हो चुका। घात में क्या है? घात में मैंने लिखा 3। अब ये जो करनी चिन्ह लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ 3, इसका क्या मतलब होता है? तो बच्चों इसको हम लिखते हैं कहां पर? घात पर लिखते हैं। ये हो जाता है 1/3। इस 3 को आपको बस 1 के नीचे में लिख लेना है। जैसे कि हम ये स्क्वेयर रूट 2 को कैसे लिखते हैं, इसको मैंने 2 लिखा, फिर घात में क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है? 2 होता है, यहां पर क्या है? 3 है, तो घात में क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ये 3 और ये 3 कैंसिल होता है तो हमें फाइनल आंसर मिलता है 4/3 मिलता है। अतः 64/27 का घन अनुपात क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछता तो पूरा आपको सॉल्व करना था, अगर ये 1 नंबर के लिए पूछे तो डायरेक्टली इसका जवाब देना है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि 64 जो है वो कौन सी संख्या का हम क्यूब करेंगे तो आएगा, और 27 जो है वो कौन सी संख्या का क्यूब करेंगे तो आएगा। अगर ये 2 नंबर के लिए पूछता तो पूरा आपको एज इट इज सॉल्व करना रहता, ठीक है। चलिए इसका भी जवाब हमने दे दिया, तो देखते हैं अब 4/3 कौन से ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका द सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका लास्ट वाला सही आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया, चलो आगे बढ़े। देखो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो
अब हमें यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न क्रमांक 5 जो कि बोला गया है दो तुल्य अनुपातों का संबंध है। दो तुल्य अनुपातों का संबंध हमें बताना है। उससे पहले हमें यह तुल्य अनुपात को समझना है। किसको? तुल्य अनुपात को समझना है। चलिए समझ लेते हैं, बिल्कुल आ जाइए। देखो यहां पर मैंने लिखा दो अनुपात तीन लिखा। मैंने क्या लिखा है? दो अनुपात तीन लिखा है। अब अनुपात का मतलब हमें अच्छे से पता है कि बटा होता है सर, बिल्कुल दो बटा तीन हो गया। दो अनुपात तीन को हम क्या लिख सकते हैं? दो बटा तीन लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा चार अनुपात छह। मैंने क्या लिखा है? चार अनुपात छह लिखा है। मैं ये बोलता हूं कि दो अनुपात तीन और ये चार अनुपात छह, ये दोनों बराबर होंगे, दोनों तुल्य होंगे। तुल्य का मतलब क्या होता है? बराबर ही होता है, ठीक है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि दो अनुपात तीन और ये चार अनुपात छह दोनों बराबर होंगे। दोनों बराबर कैसे होंगे? देखो अनुपात का मतलब हमें अच्छे से पता है कि ये होता है बटा, ठीक है। दोनों दो के पहाड़े पर आता है, दो कम दो, दो दूनी चार, और ये हो जाएगा दो तीन छह। तो हमें फाइनल क्या मिला? दो बटा तीन। तो देख लीजिए दो बटा तीन यहां पर भी आया, दो बटा तीन यहां पर भी आया। तो दो अनुपात तीन और चार अनुपात छह दोनों क्या है? बराबर है। दोनों क्या है? समान अनुपात में है। दोनों क्या है बच्चों? समानुपात है। तो दो तुल्य अनुपातों में कौन सा संबंध पाया जाता है? समानुपात का संबंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा कि दो तुल्य अनुपातों का संबंध कैसा होता है? समानुपात होता है। यह हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। खैर इसमें आपको यह सॉल्व करके दिखाना नहीं था, बस इस लाइन को याद रखना है कि दो तुल्य अनुपातों का संबंध कैसा होता है? समानुपात होता है, बिल्कुल सर यह होता है। चलिए और यह पूछा गया था छत्तीसगढ़ 2017 सेट ए में, इसी प्रकार का क्वेश्चन सेट बी में और सेट सी में भी पूछा गया था। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देख लीजिए क्या बोल रहा है। हमें यहां पर पूछा गया है कि 12 और 6 का तृतीय अनुपाती होगा। अभी तक हमने मध्य अनुपाती को निकाल लिया, चतुर्थ अनुपाती को निकाल लिया, अब हम निकाल लेते हैं तृतीय अनुपात को। बिल्कुल निकाल लेंगे सर, आ जाओ। और ये क्वेश्चन जो है खाली स्थान में पूछा गया, अब हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, अब कैसे करेंगे? अब बता दो कैसे करेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा आपको ऑप्शन को करना इग्नोर, ऑप्शन दिया ही नहीं है ये हमें मानकर चलना है। अब यहां पर ये खाली स्थान वाले में पूछ दिया गया है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आ जाओ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं करेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा हल। देखो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए हमें निकालने के लिए बोला गया तृतीय अनुपाती, तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे तृतीय अनुपाती को, मान लेंगे, ठीक है। तो माना 12 और 16, माना 12 16 नहीं है 6 है, माना 12 और 6 का तृतीय अनुपाती का तृतीय अनुपाती क्या मान लू मैं? एक्स मान लेता। चलो एक्स है, हमने तृतीय अनुपाती को मान लिया एक्स, ठीक है। चलो ये लाइन अच्छे से क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। चल आगे आगे बढ़ते, देखो तो अब आगे क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, अब इसको हमें अरेंज करके लिखना है। कैसे अरेंज करके लिखेंगे? देखिए तो यहां पर हम लिखेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा 12 अनुपात 6, 12 अनुपात 6 हो गया। फिर हम समानुपात का चिन्ह लगाएंगे और इस 6 को एक बार फिर से उतारना चाहेंगे, ठीक है। फिर तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? ये एक्स आ जाएगा, क्योंकि हमने तृतीय अनुपाती को मान लिया एक्स। बिल्कुल सर, यहां तक भी कहानी में अच्छे से क्लियर है। चले अब हमें यहां पर एक्स का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 12 अनुपात का मतलब होता है बटे, समानुपात का मतलब होता है बराबर, 6 अनुपात का मतलब होता है बटा, फिर यहां पर नीचे में आ चुका ये एक्स, बिल्कुल सर आ गया। 6 एकम 6 और ये 6 दूनी हो गया 12, 2 एकम 2 और ये हो चुका 2 तीन 6। एक्स का गुणा हम करेंगे 1 के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 1 का गुणा मैं करूंगा 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 3। अतः तृतीय अनुपाती, अतः 12 और 6 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? 3 होगा। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर हम 2 नंबर के लिए सॉल्व करते तो कैसे सॉल्व करते? अतः लास्ट लाइन बस अपने आंसर को लिखते, अतः तृतीय अनुपाती, अतः तृतीय अनुपाती 3 है। ये होता हमारा फाइनल आंसर। क्या होता बच्चों? फाइनल आंसर होगा। तो 2 नंबर के लिए पूछे तो ये पूरा आपको एज इट इज सॉल्व करना रहेगा। बिल्कुल हमने मध्य अनुपाती निकालना सीख लिया, तृतीय अनुपाती निकालना सीख लिया और साथ ही साथ हमने चतुर्थ अनुपाती निकालना भी अच्छे से सीख लिया। चलिए अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। देखिए हाँ यहां पर क्या बोला है, देखो चलिए इस क्वेश्चन का हम उखाड़ के फेंक देंगे, कुछ दम नहीं इसमें, कुछ भी दम नहीं है, निचर सस्ता क्वेश्चन, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। बता दे बच्चों को देखकर ये क्यों कठिन लगता है, सॉल्व करने स्टार्ट तो करो इसको। देखो यदि 2+x अनुपात 4+x
अनुपात 5+1 हो तो हमें एक से का मान निकालना है, दिक्कत क्या है निकाल लेंगे, आ जाओ बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आ जाओ जा। इधर आओ देखो। चलिए यहां पर सबसे पहले हमने लिखा हाल देखो, ठीक है बिल्कुल, हमें यहां पर क्या दिया गया है, 2+1 अनुपात, फिर क्या दिया है 4+1। अब यहां पर मैंने समानुपात का लगा दिया चिन्ह, इसको मैं दो बार लिखूंगा, यहां पर फिर से लिखूंगा 4+1, फिर अनुपात में क्या लग जाएगा ये 5+1 हो गया। बिल्कुल सर, यहां पर यहां तक की हमें कहानी अच्छे से क्लियर है, हो गया क्लियर। चलो फिर देखो, ये हो जाएगा 2+1 अनुपात का मतलब होता है बटे, बटे में आ जाएगा 4+1 बराबर, समानुपात का मतलब क्या होता है बराबर होता है, तो यहां पर ये हो जाएगा 4+1 अनुपात का मतलब होता है बटे, नीचे में क्या आ जाएगा 5+1 हो गया। बिल्कुल सर ये हो गया। चलिए तो अब यहां पर क्या होगा, देखो अब हम करेंगे त्रिक गुणा, तो 4+1 का गुणा होगा 4+1 के साथ, तो देखो मैं यहां पर इसको अरेंज करके लिख रहा हूं, 4+1 × 4+1 हो चुका, दोनों को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर 2+1 का इंटू करेंगे किसके साथ, 5+1 के साथ हमने त्रिक गुणा करा दिया। चलो अब हम करते हैं गुणा, देखो तो गुणा कैसे करेंगे, देखो अब चार का गुणा मैं करूंगा चार से, तो चार से हो जाएगा 16, फिर चार का गुणा करेंगे हम एक से के साथ, तो ये हो जाएगा 4x, फिर x का गुणा करेंगे चार के साथ, तो ये हो जाएगा 4x प्लस, फिर x का गुणा होगा एक से के साथ, तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर, 2x नहीं होगा, जोड़ते तो 2x होता, गुणा करेंगे तो 100 स्क्वायर हो जाएगा। सेम केस हम यहां पर भी करेंगे, 2 का इन दोनों पदों के साथ गुणा और 100 का इन दोनों पदों के साथ हम कर देंगे गुणा, आ जाओ बिल्कुल कर देंगे। देखो तो 2 का गुणा करूंगा मैं 5 से, तो 2 × 5 हो जाएगा 10, 2 का गुणा करेंगे 1 से के साथ, तो ये हो जाएगा धन का 2x, फिर x का गुणा करेंगे 5 के साथ, तो ये हो जाएगा धन का 5x, फिर प्लस है तो प्लस, फिर x का गुणा करेंगे 1 से के साथ, तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर, ठीक है। यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ये धन 100 स्क्वायर है और यहां पर भी बराबर के बाद धन 100 स्क्वायर है, ये दोनों हो जाते हैं कैंसल, दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों कैंसल हो जाएंगे। तो अब हमें यहां पर क्या मिलेगा, देखो यहां पर हमें क्या मिलेगा, 16 को पहले मैंने एज इट इज लिखा है, अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो 4x और 4x दोनों जोड़कर हमें क्या देंगे 8x देंगे, बिल्कुल दे दिए बराबर। फिर यहां पर क्या है 10 को मैंने लिखा, फिर क्या करेंगे यहां पर 2x और यहां पर 5x दोनों को जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा धन का 7x, क्या मिल गया धन का 7x मिल चुका हमें, तो निकालना x का मान ना, तो हम क्या करेंगे देखो मैंने 8x को यहीं पर लिखा, इस x वाले पद को हम इधर लाएंगे, तो ये अभी धन में था तो इधर आकर ये चेंज हो जाएगा माइनस में, बिल्कुल सर ये हो गया ठीक है बराबर, ये हो गया 10। अब ये 16 को हम इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण का 16, तो हमें क्या मिलेगा 8x में हम 7x को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1 बराबर, 10 में हम 16 सॉरी यहां पर हमें 16 में 10 को घटाना पड़ेगा, तो 16 में 10 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6। अब चिन्ह किसका लगा, आपका आंसर भी गलत है ना, गलत है क्योंकि अभी आपने चिन्ह लगाया ही है, तो हमें देखो यहां पर 16 में 10 को हटाया तो 6 आया, बिल्कुल सही जवाब, लेकिन अब चिन्ह किसका लगाएंगे, तो 16 जो है वो 10 से बड़ी संख्या और 16 के सामने में ऋण का चिन्ह, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा ऋण का चिन्ह आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अतः 1 बराबर क्या मिला ऋण 6 मिला, 1 बराबर क्या मिला बच्चों ऋण 6 मिला, और ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा गया था, सेट सी में पूछा गया था 2020 में, इसी प्रकार का क्वेश्चन सेट ए और सेट बी में भी पूछा गया था। तो हमने आज के क्लास में 1 नंबर वाले क्वेश्चन और 2 नंबर वाले क्वेश्चन दोनों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अपने 6 नंबर वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन दिया क्या देखते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं 1 नंबर 2 नंबर वाले में, तो आपको यहां पर कम से कम 6 टाइप्स के मैंने क्वेश्चन बता दिए, 6 नहीं 7 टाइप के मैंने क्वेश्चन बता दिया, इतने ही टाइप्स के आपके क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है, पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ना, स्मार्ट स्टडी करना है, पूरा पढ़ने के लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर बच्चों की कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर हमारा जो बेसिक एकदम कमजोर है, तो उन बच्चों को मैं बार बार बोलता हूं कि आप हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैंने कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं दोनों क्लास को एकदम बेसिक से पढ़ाया हुआ है, हम एकदम नीचे लेवल से शुरुआत की है और ऊपर लेवल तक हमने पहुंचा हुआ है, आप वहां पर जाकर बिल्कुल मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, एकदम चैप्टर वाइज मैंने हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो बनाकर रखा हुआ है, वहां पर आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर एग्जाम बस की तैयारी करना है तो ये आपके लिए पूरा का पूरा सफिशियंट होने वाला है, इसके अलावा और कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पीवाई क्विज को और हम क्विक रिविजन भी साथ में कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करना है, कमेंट करना है और दोस्तों तक शेयर करना है।
हम मिलेंगे इसके पार्ट नंबर 2 पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।